डीके न्यूज राष्ट्र के नाम। शपथ समारोह हुआ भगवामय। इच्छाधारी हिंदुओं को लगेगी मिर्ची। मंत्रियों के कंधे पर सजा भगवा चोला। भगवा रंग का ये चोला देख रहे हैं आप, ये शपथ समारोह की तस्वीरें हैं। ये उस गुजरात की तस्वीर है जो मोदी और शाह का गढ़ मानी जाती है। ये उस राज्य की तस्वीर है जहां संघ ने अपने पैर पसारे तो कई लिबरल्स की आंखें फट गई। ये उस जगह की तस्वीर है जहां हिंदुत्व की लौ जली और आज पूरे भारत में मसाल बन चुकी है। कहते हैं कि राजनीति में बात इशारों इशारों में कही जाती है और आज ये इशारा कर दिया गया कि हिंदुत्व की लौ चलती रहेगी और ये भगवा रंग कट्टरपंथियों और लिबरल्स की आंखों में छुपते रहेंगे। ये भगवा चोला इन कांधों पर देख रहे हैं आप, ये इशारा कर रही है कि हिंदुत्व के नाम पर जो लौ बीजेपी ने जलाई थी वो जारी रहेगी और इच्छाधारी हिंदुओं पर सवाल उठाती रहेगी, उनके मन में कुंठा पैदा करती रहेगी। शपथ लेते हुए इन मंत्रियों को देख लीजिए, सबके कंधे पर भगवा चोला है और क्या जच रहा है। ऐसी तस्वीर आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ये नए मंत्रिमंडल की तस्वीर है जहां हर मंत्री के कंधे पर भगवा चोला नजर आया और ये जवाब था उन नेताओं को जो ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हैं, जो खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं और कहते हैं कि बीजेपी हिंदू विरोधी है। आपको बता दें कि गुजरात में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। गुजरात में बीजेपी नेतृत्व ने फेरबदल नहीं किया बल्कि एक तरह से नई सरकार ही बना डाली। विजय रूपाणी से इस्तीफा लेकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने के बाद अब पूरा मंत्रिमंडल ही नया हो गया है। आज भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 27 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जैसे दिग्गज मंत्रियों समेत रूपाणी की टीम का कोई भी चेहरा शामिल नहीं है। पहली बार विधायक बनने के बाद ही सीएम बने भूपेंद्र पटेल की तरह ही उनकी टीम में ज्यादातर नए चेहरे शामिल हैं और एक नए जोश के साथ आए हैं। इसके अलावा पाटीदार समुदाय को बड़ा महत्व देते हुए बीजेपी लीडरशिप ने ज्यादातर मंत्री इसी बिरादरी से चुने। इस शपथ समारोह की सबसे खास बात यही थी कि सब ने भगवा चोला ओढ़ा हुआ था और ये पूरा का पूरा समारोह भगवामय हो गया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News, राष्ट्र के नाम।